कहा था ना मिलने के लिए, तो बताओ कहाँ पे आऊँ मैं मिलने आपसे? सैनिक कॉलोनी पार्क है ना? हाँ हाँ पता है। वहाँ पे बस मैं 5 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से आओ, ध्यान से आना। रुक हाथ पकड़, चलाओ भाई। पीछे वाला गेट पास में है, वो पूरा खाएंगे गाइस। पागल हो गया भाई जिया के चक्कर में। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में किससे मिलूंगा, जिया से, और जिया को आप सब जानते ही हो। तो अभी अविनाश आ रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आ जाओ हमारे सब्सक्राइबर से तो मिलो। हाय गाइस, मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये बाइक लेके जाए, नहीं नेक्स्ट चलते हैं। ये बाइक गाइस, बाइक दिख नहीं रही है गाइस, दिखाओ इनको, दिखेगी ना जब मैं बैठूंगा। नहीं ये गाइस, ये परफेक्ट परफेक्ट गाइस, ये देखो गाइस, एक मिनट मेरी डायल देखो पहले। आप स्मार्ट लग रहा हूँ आज मैं, क्यों स्मार्ट इसलिए लग रहा हूँ कि मैं जीएस में ले जा रहा हूँ। और ये देखो कितना सही लग रहा है कसम से, ये बाइक ठीक है। बट हम KTM लेके जाएंगे क्योंकि नई नई बाइक है ना, तो शौक है हमको थोड़ा सा चलाने का। मेरे पास सुनो गाइस, पहले जियो को तो फोन कर ले। ओके गाइस, जियो को फोन करते हैं। तो भाई लोग दाढ़ी वगैरह कट करा दी, कैसा लग रहा है बताओ? अभी चलो, अभी हम करते हैं फोन। नाउ दबाना स्टार, नाउ दबाना नो। हेलो हेलो, पहचाना? नहीं। अनुज बोल रहा हूँ यार। अच्छा, मेरा क्लासमेट अनुज? हाँ, तेरा क्लासमेट नहीं, जिसने राघवी ने बात कराई थी आपसे। हाँ, राघवी ने करवाई थी। हाँ हाँ हाँ, भूल बड़ी जल्दी जाते हो। आपने कहा था ना मिलने के लिए, तो बताओ कहाँ पे आऊँ मैं मिलने आपसे? सैनिक कॉलोनी पार्क है ना? हाँ हाँ पता है। वहाँ पे? ओके okay, तो मैं आता हूँ, ठीक है? मैं आपको वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ। मारिए गाइस, चलो आज आपको मिलाते हैं जिया से। चलो गाइस, अभी मिलते हैं जिया से और आपको भी मिलवाते हैं, उसने बुला दिया। यार गाइस, जाते हैं मिलते हैं। गाइस मुझे कोई है नहीं है इंटरेस्ट लड़कियों में, और मुझे यही लेके जा रहा भाई, ठीक है? मैं एज ए मतलब ड्राइवर समझ लो, कैमरामैन समझ लो, ठीक है भाई? मैं नहीं लड़की भाई, चक्कर भाई, ठीक है? मैंने आंखें बंद कर लेनी, जब भी लड़की आएगी भाई आंखें बंद कर लेनी है। आप लोग देख लेना जी। पता है ये क्यों बोल रहा है? आपको पता है ये क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? सच्चाई है, इसकी गेम हो जाती है ना बाद में भाभी जी से हमारी, इसलिए ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, हम आपको सैनिक पार्क जाके मिलते हैं। गाइस जैसे कि हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर क्लास पार्क में, तो जब हम सैनिक कॉलोनी पार्क पहुंचे थे ना, तो वहां पे उसने कॉल करके बोला कि आप इधर ग्रेटर क्लास वाले पार्क में आओ, तो वो मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसने मौके पे कॉल कर दी, तो मैं वीडियो कैसे ऑन करता। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं, वैसे काफ़ी रोमांटिक पार्क है ये, तभी उसने मुझे यहाँ बुलाया। तो अब हमें यहाँ पहुँच गया, तो हम उसको कॉल करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि इस पार्क में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ उस लड़की का जिसको मैंने बुलाया। अच्छा, तो अब करते हैं उसको फोन, फिर चलो गाइस करते हैं। सॉरी, एक निशा आ गई, अब शुगन होता है। हेलो जिया, मैं ग्रेटर क्लास पार्क पहुंच गया। बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूं। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से आओ, ध्यान से आना, कहीं आपको लग लुक ना जाए आते आते, ठीक है? आओ फिर। गाइस की शक्ल देखना है, नहीं वो बच गया। मैं खुश थोड़ी हूँ, मैं दुख हुआ था चित्रा फोन गिरा, तो आई रियली फील सैड। तो गाइस फिर आती है वो, तो फिर बताते हैं आपको, आज आपको शक्ल रिवील करते हैं, ऐसे बोलते हैं। शक्ल रिवील कर रहा हूँ मैं जिया की, और 5-10 मिनट वेट करते हैं। 5-10 मिनट के बाद मैं इतना बोला है, फिर करते हैं वापस, जैसे आती है फिर बताते हैं। ओके ओके, तो गाइस आधा घंटा हो गया वो आई रही, फोन करो उसको। अपने साथ साथ मुझे भी खजल कर रहा है गाइस, गिया जिया शिया जड़ी भी है जिया के चक्कर में।
अब फिर से भाई जो खजल हो रहा है वो जा सकता है भाई, हमने मना नहीं किया उसको, हम अकेले ठीक है। चल फोन कर दो। फिर फोन कैसे करेगा अगर मैं चला गया? फिर उनको कैसे दिखाएगा अगर मैं चला गया? सुन लेगी। हेलो यार, आधा घंटा हो गया। जिया तुम कहाँ पे हो यार, बताओ ना, पहुंचे? गाड़ी स्टार्ट कर। गाइस मैं चला, बहुत मेरे को खुशी हो रही है, आ जल्दी आ। ऊपर आओ बल्ले, चल पीछे वाले गेट के पास है ब्रावो, अंकल डर के मार दिए। चल चल, खुश थोड़ी हूं मैं भाई, आज तो स्पीड स्पीड ही नहीं इतनी। मैं आराम से चल रहा हूं गाइस, इसको चलना नहीं आता, स्लो मोशन थोड़ी चल रही है, चलना थोड़ा तेज चला रही है। पीछे वाला गेट पास में है, पूरा खाएंगे गाइस। पागल हो गया भाई, जिया के चक्कर में फिर रह गया पीछे। आप लोग भी एक्साइटेड हो गया जिया के चक्कर देखने के लिए? चल चल आगे से, जिया का पापा है ना गाइस, ये देखना गाइस। आप लोग दूसरे गेट के मुझे जिया तो नहीं, जिया का पापा जरूर दिखाई दे रहा है। ससुर जी, ससुर जी हाथ मेरा थक भी नहीं रहा है देखने, बस हो गई यार, इतना डिस्टेंस है। आ जल्दी आ, क्या कर रहा तू? उधर गेट वहां पे है गाइस, ओए जल्दी आ। वाह ये जिया, पूछना जिया हो आप, पूछ करना फोन फोन से बदल देगा। मुझे तो नहीं लगता वो दो लड़कियां जी है, उनसे कोई भी नहीं, वो नहीं थी, वो तो ऐसी थी इधर लोकल। ओके करते हैं फोन गाइस, अब मुझे नहीं चलता यार। तो दो हज़ार क्या 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 मिला तेरे को? मिल गया जी, दूसरा गेट यही है। अब फोन नहीं मिल रहा, कहीं जैसे फोन मिलता फिर आपको बताते हैं यार। तो जिया मैं लास्ट गेट पे पहुंच गया, आप कहाँ पे हो? यहाँ तो मुझे कोई दिख रहा यार, फर्स्ट में दूर वापस से। ओ यार क्या कर रहा है यार, जल्दी यार, दिमाग खराब कर रहा है यार, कभी इधर कभी उधर घुमाया, ये आना भी आसान नहीं है, ड्रामे कर रही है यार। चुप कर, तुझे पता है मेरा प्यार झूठा नहीं, सो आ जल्दी। तो यार मेरा दिल कह रहा वो आई है, यार ये धीरे बड़ी चलता है गाइस, रुको मैं इसको पूरा उधर पहुंचा के आपको मिलता हूँ सीधा। यार जब फर्स्ट गेट पहुँच गया, लेकिन जिया देखने मैं उसको फिर से फ़ोन करता हूँ। जिया कहाँ पे हो यार, मैं फर्स्ट गेट पे पहुँच गया। हाँ वो बस आया, गाड़ी स्टार्ट कर, चल अब कर स्टार्ट जल्दी। यार मार ये कहाँ घुमा यार, कभी इधर कभी उधर, करना यार नहीं तो मैं चलाऊं। फिर जैसे कि हम बेंचों के पास पहुंच गए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही आई। ओके सारे इधर मुक्का बने ना भाई की, आई की करे यार, कब से ये सारे बेंच दिख रहे कहाँ है, ये सारे बेंच दिख रहे साले, वो मेरे दिल में भी है ना, तुझे नहीं पता, वो अभी रस्ते में थोड़ा सा रह गया। अगर आप इसने बोला ना कहीं और, तब मैं इसको उधर ही गोली मार दूंगा। नहीं बोल, हेलो जिया कहाँ हो आप यार, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। हाँ मैं इधर बेंच पे बैठ के वेट कर रहा हूँ आपका यार। अच्छा मतलब मजाक है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर एंड में आके। अच्छा तेरे को मारू या उसको मारू? यार आप ऐसे क्यों किया यार, आपको पता मैं कितना एक्साइटेड था, बिल्कुल सारा मूड खराब हो गया। अरे यार एक दूसरी बार मिलने के लिए कोई बात नहीं, तो फिर इसको मेरे को बात करने दे। कब क्या? एक दो दिन में मिल लेंगे, कोई बात नहीं।
एक दो दिन में पक्का या ऐसे घुमाते रहोगे? अरे पक्का मिल जाएंगे एक दो दिन में। तो यार आज मैं इतना तैयार तुर के आया था पूरी टोर निकाल के, मैं आज लड़की से मिलने जा रहा हूँ, देख रहे हो गाइस, और खा पाए नहीं। कोई बात नहीं, दो दिन बाद फिर अपनी आप टोर निकाल लेंगे। नहीं यार, तो फिर मतलब प्यार है ना आपको मेरे से? ठीक है फिर पक्का मिलेंगे यार, अगली बार ऐसा मत करना प्लीज, अगर ऐसा करना होगा मेरे को पहले बता देना। नहीं हम पक्का मिलेंगे एक दो दिन बाद। ओके थैंक यू सो मच। उस लड़की ने इतना खजल किया फिर भी इसको बोल रहा हम पक्का मिलेंगे, थैंक यू सो मच, ये वो फ्लांडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज, ऐसे दोस्त को गोली मार देनी चाहिए। गाइज देखो गाइज, लड़की जब आगे से मतलब कुछ भी बोले ना, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा रिश्ता चल सकता है। गाइज इसको क्या पता, ये ठहरा शादीशुदा बंदा, ठीक है इसको क्या पता। तो गाइज अब मैं जैसा कि हो चुका हूँ खजल, तो बाकी उसने ये कहा है कि हम कल या परसों ज़रूर मिलेंगे, और जब मैं उससे मिलूंगा ना मैं आपको पक्का दिखाऊंगा, मैंने आज ही आपको दिखा देना था लेकिन वो आई नहीं यार, इतना दुख हो रहा ना मुझे, मैं इतना तैयार त्यूर हो गया गाइज, देखो कितनी डाल से आया था मैं, बट मेरी सारी डाल ख़त्म हो गई गाइज। तो बाकी लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग। तो जय हिंद जय भारत।